ए तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कुशांत कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने ब्लॉग चैनल में। तो अपना रूम का टूर कराता हूँ। कल तो मैं करा नहीं पाया था क्योंकि कल घूमने फिरने बहुत रात हो गई थी, फिर आगे सो गए थे। तो निकलने की तैयारी आ गया ट्यूटल की ओर, तो सोचा जाने से पहले आपको एक बार रूम टूर करा दूँ। इतना खास नहीं है, बजट रूम टूर है, पर ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ रूम कैसा है। तो कुछ ऐसा अपना रूम, एक्चुअली 4 बेडेड रूम है, 3 बंदों के लिए था। एक बेड यहाँ पे है और यहाँ पे जाके एक बेड यहाँ पे पूरा का पूरा फैला हुआ है। फिलहाल तो जाने की तैयारी हो रही है और व्यू दिखाता हूँ आपको कैसा है अपने यहाँ से। और व्यू है कुछ ऐसा, गजब वाला व्यू है। बर्फ से ढके पहाड़, धूप, ये देखिए, ये सामने इधर देखेंगे तो वो अटल टनल वाला जो पहाड़ है वो भी दिख रहा है यहाँ से। तो व्यू बहुत प्यारा, सामने एक छोटी सी नदी बहती हुई है। तो ये सब चीज़ें ही ट्रैवल को बहुत मस्त बनाती है। बाकी आपको रास्ते का टूर कराता हूँ कि कैसा कैसा क्या क्या व्यू आएंगे। चलिए मिलते हैं गाड़ी के अंदर, तब तक आप मज़े कीजिए और हम निकलते हैं। दोस्तों निकल चुके हैं अपना आगे रोहतांग टनल के लिए यहाँ से। रास्ता बहुत प्यारा है, बहुत स्मूथ है, जैसे कोई दिक्कत वाली बात है। बड़े नहीं मिलेंगे, ब्रेड ऑमलेट वो, हाँ वो ऐसे मैगी मिल जाएगी, मैगी ब्रेड ऑमलेट ये सब नाश्ते में वही चाहिए, यही सब मिलेगा। आलू के पराठे, हाँ अरे बहुत हो गया, यही तीन चीज भाई। देख शिशु लेक है ना, शिशु लेक, शिशु लेक पे जाएंगे अभी हम। शिशु लेक, शिशु दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। ये ऐसा है कुछ अटल टनल का फ्रंट, और ये रे बड़ा सुंदर सा पहाड़, पूरा गेटवे बना के क्या है। अब थोड़ा चेकिंग कराना है, डिक्की वगैरह चेक करा के फिर आगे निकलते हैं, दिखाते हैं आगे का रास्ता। निकल चुके टनल की ओर, बीच में ओवरटेक वगैरह नहीं करना और बीच में कहीं अटल के टनल के बीच में ही रुकनी होती ना, तो वो थोड़ा गाइड करते हैं। एंड हियर कम्स द डार्कनेस। हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड। बस लाइट क्यों बंद करी हुई, पिछली बार सारी लाइट जली थी। मैक्सिमम स्पीड 40। सनग्लासेस, मैं कह रहा हूँ इतना डार्क क्यों लग रहा है मुझे। इतना वीडियो बनेगी नहीं मेरी। आई मेरे ओरिजिनल रेबेंस के ग्लास लग गए। इसको जुगाड़ करिए भाई, इसका ग्लास निकल गया।
निकल चुके अपना आगे के लिए गाइस। अब आगे तक देखो कहाँ तक जा सकते हैं, किलोंग तक एक्सेसिबल बता रहे हैं, उसके बाद तो फिर बर्फ बता रहे हैं, तो अब जहाँ तक जा पाएंगे बस वहीं तक जाएंगे। बाकी फर्दर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ रहूँगा, जब तक आप नज़ारों के मजे लीजिए। स्टार्स अच्छे निकले, पतझड़ हो गया भाई बिल्कुल, यहाँ पे सारे पत्ते चले गए, इस पर पीले पीले पत्ते आते भाई बहुत तरह लगते हैं। पिछली बार थे हाँ जब मैं आया था भाई बहुत सही था, अभी सितंबर में जब आया था उस टाइम पतझड़ का महीना था ना, तो उस टाइम थे पत्ते यहाँ पे सारे। मतलब एक महीने में ही कितना चेंज आ गया, पूरे के सारे सारे बर्फ पूरे पहाड़ ढक चुके हैं बर्फ से, और ये सामने जो छोटा सा झरना दिख रहा है अगर आप शायद देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। लास्ट टाइम तो बहुत ही अच्छा खासा फुल फ्लेज में था ये, बट अब देखिए पूरा पूरा बर्फ़ में ढक गए सारे पहाड़, वो सामने वाले पूरा ढक गया है, लेकिन बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और शिशु लेक तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है, वो भी दिखाऊँगा आपको कि कैसा हो चुका है उसका हाल। तो वो ये जब सीज़न चेंज हो जाता है तो चीज़ें अपने आप चेंज हो जाती है यहाँ पे पहाड़ों में, बाकी मजा अनलिमिटेड है। शिशु लेक तो नहीं बट ये रिवर दिखाए थे, रिवर का आई गेस मुझे नाम तो पता नहीं है बट है बहुत प्यारी, और व्यू तो कुछ ऐसा ही जैसे आपको पहले दिखाई चुका हूँ मैं, लेकिन रिवर बहुत प्यारी है। तो अपन लोग तांडी से आगे निकल चुके हैं, अभी जस्ट तांडी ब्रिज क्रॉस किया है, और यार व्यू देखो तो मतलब गजब ही है, प्यारा सा व्यू है एकदम, कि बस क्या ही कहने, शब्द नहीं है। ये देखो क्या मस्त व्यू है, और ये सामने बोर्ड है उदयपुर 45 किलोमीटर, यहाँ से किलार 125 किलोंग 9 किलोमीटर ले 363। बस हमारा प्लान फिलहाल के लिए तो किलोंग ही है, क्योंकि उससे आगे जो अपडेट मिली उससे आगे अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल बस किलोंग जाके अपना वहाँ का जो भी साइट सींग या जो भी वहाँ के घूमने की जगह है बस वो देख के अपना वापस दिल्ली को वापस आ जाएंगे। यहाँ से किलार पूछना पड़ेगा यार, देखो यार क्या मतलब गजब है, मजा ही आ गया। कितना प्यारा ही व्यू है यार, इस तरफ का तो और प्यारा है, किस तरफ का? हाँ मतलब दोनों साइड का जो है पूरा ही व्यू बहुत प्यारा है यार, और साथ में नीचे नदी चल रही है। तो वेलकम बैक दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं किलोंग, तो रूम ले लिया है, होटल का नाम है डेकिड होटल। तो मैं दिखाता हूँ आपको रूम कैसा है, रूम बहुत ही प्यारा है,
दिखाता हूँ आपको, शुरू करता हूँ वॉशरूम से। यहाँ से पूरा एंट्रेंस है और ये रहा वॉशरूम, सामने मिरर बहुत प्यारा सा, ये सीट टॉयलेट सीट, शावर वगैरह लगा हुआ है, गीजर तो खैर मच नहीं डरे यहाँ पे। और आपको व्यू दिखाता हूँ, आप व्यू देखिए, विंटर इज कमिंग वाला फील है कि जीओटी वाली। ये देखिए व्यू, बस हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। इधर भी बर्फीले पहाड़, इधर भी बर्फीले पहाड़। टेम्परेचर अभी कुछ -1 दिखा रहा है, फील भी हो रहा है -3। तो इस तरह कुछ है अपना होटल, बहुत ही प्यारा होटल है ये, 2000 में मिल गया आपको इतना लग्जरी होटल। नीचे बॉनफायर का है बट हिम्मत नहीं है बॉनफायर की नीचे जाने की। अब जाते हैं, आप सच कुछ घूमने के लिए तो है नहीं, तो अब नीचे जा रहे हैं। ऐसे घूमने के लिए कुछ है नहीं अभी, बस लोकल साइट सीइंग, मतलब वही मार्केट वगैरह देखते हैं, हल्का कुछ खा वगैरह खा के आते हैं और मिलते हैं फिर रात को। आपको कुछ हुआ बताने के बताएंगे, नहीं तो फिर सुबह सीधा निकलेंगे दिल्ली के लिए। ठीक है, अब तक के लिए आप मजे कीजिए और समझ आए अच्छे लगे वीडियोज़ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, एक बार ही बोलता हूँ, बस कर दिया करो। दोस्तों ये आज का डिनर अपना, चिकन करी, शाही पनीर, बटर नान, बटर रोटी, दाल मखनी। किलोंग में आगे वाले इतने हाइट पे आके सोच रहे थे इतना लेविश खाना मिल जाएगा, बट स्टिल मिल गया। इंजॉय करते हैं, बताते हैं आपको फिर कैसा है कैसा नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हमारा यहाँ से निकलने का समय हो चुका है, दिल्ली तरफ वापस प्रस्थान करने का टाइम आ गया है। खूब मजे ले लिए 3-4 दिन हमने पहाड़ों में। ठंड जो है अभी भी इस टाइम 7 बज रहे हैं और टेम्परेचर -14 केलोंग का। अब निकलते हैं, बाकी दिखाता हूँ वीडियो में पूरा का पूरा, अपना देखना ठीक है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक टू माई वीडियोज, इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक इट। चलो मिलते हैं रास्ते में, कुछ दिखाने के लिए दिखाऊंगा, नहीं तो सीधा घर पहुँच के मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, इन्जॉय, मजे करो।